आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा माँ काली जी के दर्शन, जो कि शोभापुर ब्रिज के पास स्थित हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो दक्षिणेश्वर महाकाली का स्वरूप है। यहाँ पर आने के बाद आप अपने सभी दुखों को भूल जाते हैं। यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट है और बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर आपको शांति का अनुभव होगा। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार व्लॉग में। आज का ये व्लॉग मैं घर से शुरू नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ शोभापुर की काली जी। मैंने सोचा घर से यहाँ आने से अच्छा है हर व्लॉग को मैं घर से ही शुरू करता हूँ, तो इस व्लॉग को मैंने सोचा यहाँ से शुरू करते हैं। तो अभी मैं आया हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और गाड़ी पार्क करके अब काली माँ के दर्शन करने ऊपर से चढ़ेंगे। यहाँ है अपनी गाड़ी पार्क और ये है सीढ़ियाँ, यहाँ से अपने को जाना है। अगर आप यहाँ पे काली माँ के दर्शन करने आते हैं तो सिर्फ एक शॉप है प्रसाद की, जो आप यहाँ से लेंगे और ऊपर जाएंगे। पहले ये शॉप जो यहाँ है ना, ये लगती थी यहाँ, और यहाँ लाइन से सारी शॉप्स लगती थी। जब नवरात्रि आएगी ना तब शायद वहाँ पे लगेगा। तो अभी ये अम्मा देती हैं जो भी प्रसाद है, आप यहाँ से आके ले सकते हैं, माँ को चुन्नी चढ़ा सकते हैं और बाकी ये सारे प्रसाद है जो आप ले कर चढ़ा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ ना काफ़ी खड़ी खड़ी हैं, ज़्यादा नहीं हैं, पता नहीं कितनी, 250-300 के आसपास होंगी। अच्छा, जब नौ दुर्गा आता है ना तो नौ दुर्गा में यहाँ पे बगल में ये लोग, मतलब जो भी माता की चुन्नी प्रसाद और छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, मेला लगता है तो वो सब बेचते हैं। देखिए कैसे पेड़ वेड़ उखड़ गया है एकदम, चारों तरफ यहाँ पर हरियाली। वो जो दिख रहा है आपको ब्रिज है, शोभापुर ब्रिज, वहीं से हम लोग आए हैं, यहीं पे लगाते हैं सब शॉप्स। कितना बड़ा पेड़ उखड़ गया है यार, हरियाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है दोनों साइड। ये जो चबूतरा देखिए ऐसे बना है ना पत्थर से, ये देखिए बनाए हैं यहाँ पे, एक के बाद एक स्टेप में लगे ये घेर के, तो यहीं पे दुकान लगाते हैं। अभी नवरात्रि आएगी ना तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है यार, तब अगर मेरे को आना हुआ तो मैं आके एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। जगह जगह पे लगाते हैं, बस यहीं तक लगाते हैं, इतना ही तक था जगह और वो वहाँ इस तरफ, बाकी इधर तो फिर खाई खाई है। देखिए ना यहाँ भी खाई है और इस तरफ भी, पहले शायद यहीं कहीं से जाते थे। जब से मैंने देखा हूँ तब से तो मैं इसी सीढ़ी से जा रहा हूँ, जब ये सीढ़ियाँ नहीं होंगी तब वो लोग यहाँ से कहीं से जाते होंगे। और देखिए हम लोग अब पहुँच चुके हैं, वो दिख रहा है थोड़ा सा, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, माँ का द्वार वहाँ है और हम लोग आए हैं वहाँ से। तो मेरे अंदाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा होंगी 250 सीढ़ी, पता नहीं यार, आप लोग बताना। अगर आप लोग जबलपुर से हैं तो कमेंट करके बताइए कि कितनी सीढ़ियाँ होंगी यहाँ पर। क्या ज़ोरदार व्यू है यार, ये जो तालाब आपको दिख रहा है ना, बहुत बड़ा तालाब है। ब्रिज अभी ये दिख रहा है, अभी हमें और ऊपर जाना है। इस तरफ घर तो देखिए कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, बस हम लोग पहुंच गए हैं। अब एक बार जब ऊपर पहुंच जाऊंगा ना, ऊपर से आपको दिखाऊंगा व्यू, बहुत ज़ोरदार दिखेगा। फाइनली मैं माँ के दरबार में आ गया हूँ। आज यहाँ पे ना मैं तकरीबन 10 से 12-15 साल बाद भी आया हूँ, मुझको याद नहीं। जब छोटा था तो मम्मी के साथ आता रहता था, जब नवरात्रि लगती थी तब या फिर ऐसे भी, और आज मुझको ऐसा लग रहा है पहली बार, आधे घंटे हुए मुझको आया यहाँ, सब कुछ घूमा देखा उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आज पहली बार मैंने अंदर माँ काली को देखा हूँ। क्योंकि इससे पहले छोटे में आता था समझ में आता नहीं था, क्योंकि भीड़ भी इतनी रहती थी, अंदर अंधेरा रहता था तो दिखती ही नहीं थी, समझ में नहीं आता था, आओ फटाफट प्रसाद चढ़ा के जाओ। लेकिन आज मैंने अच्छे से देखा हूँ जो आप वीडियो में देखेंगे। और ये जो नीचे इतना सारा फर्श लगा है ये सब नहीं लगा था यार, ये फ्लोर व्लोर कुछ नहीं था, ये जो पूरा फ्लोर यहाँ से लेके वहाँ तक बन गया है ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी और बाकी सब ऐसे ही था। एक मंदिर यहाँ सामने है जो वो है और एक मंदिर ये है, उसके अलावा चारों तरफ हरियाली है, बहुत ज़्यादा हरियाली है यार। और यहाँ से बहुत नीचे देखने में मज़ा आ रहा है। वो देखिए वो जो दिख रहा है वो ब्रिज है, एक गाड़ी जा रही है वहाँ से, पक्षियों की चहचहाहट और यहाँ पे हवा भी अच्छी चल रही है, बैठने में यहाँ मज़ा आएगा। यहाँ पे आप आएंगे ना तो देखिए वहाँ पे पैर धोइए,
उसके बाद यहाँ पे होता है हवन और यहाँ माँ के दर्शन कीजिए आप अंदर जाके। यहाँ से आप राउंड भी घूम सकते हैं और मंदिर के अंदर से भी जगह घूमने की, और बाकी बैठने की पर्याप्त जगह है, आप कहीं भी आके बैठ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मंदिर परिसर में खाली फालतू कपल ना बैठे, क्योंकि एक समय में इस मंदिर का हाल ऐसा हो गया था ना कि ज़्यादा लड़के लड़कियाँ आते थे और ऊपर है ज़्यादा कुछ कोई यहाँ पे आता नहीं है, तो आके समय बिताते हैं, बैठे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो लिखा है कि फालतू ना बैठें। देखिए यहाँ पे बढ़िया आप पत्थरों के बीच में बैठिए, बातें कीजिए, फैमिली के साथ आने में ना मज़ा आएगा पूरे सब जगह। यहाँ बांस के पेड़ भी बहुत सारे लगे हैं और हरियाली तो आप देखिए गजब की है। ये है बीच में तुलसी माँ, यहाँ पे आके आप जल दीजिएगा। अच्छा, जल देने का सिस्टम भी देखिए आप यहाँ से इतनी दूर से हम लोग जल तो वहाँ चढ़ा नहीं सकते ना माँ तुलसी को, तो यहाँ से हम खड़े होके इसमें डालेंगे और यहाँ से पानी जाते जाते तुलसी माँ को अर्पित हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा अंदर आया ये देखने के लिए कि यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। देखिए यहाँ से भी ना रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, यहाँ से आप जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, बाकी चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, पेड़ पौधे पत्थर। मज़ा आएगा यहाँ आके बैठिए, लंच कीजिए, और लेकिन यार कचरा नहीं कीजिए। देखिए जो भी कुछ करना है आके खाइए और उसके बाद बैग में रखिए और जाइए, जैसा बैग मैंने अपना लाया हुआ हूँ। चप्पल का ऐसा है कि बाहर उतार सकते थे, मैं नीचे उतार सकता था, लेकिन अब देखा मैंने, पूछा वो आंटी से ना, तो वो बोले कि चप्पल आप लेके जाइए, तो बिल्कुल द्वार पे उतारे हैं, जो गेट रहता है ना तो उसी गेट पे उतार दिए हैं और उसके बाद घूम रहे हैं। अभी मैं था वो वहाँ पे जहाँ आपको पत्थर दिख पा रहा होगा और अब मैं हूँ दूसरे एंड पे। देखिए ये है अपना मेन मंदिर, इसके अंदर से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, बाहर से भी परिक्रमा कर सकते हैं और यहाँ से भी परिक्रमा कर सकते हैं, तीन जगह से। ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं वो छोटे मोटे वही जो हैं घर हैं। देखिए गिलहरी बोल रही है, यहाँ पे गिलहरी बहुत सारी है, ये देखिए गिलहरी है, दिखी कि नहीं दिखी पता नहीं, हाँ ये है यहाँ पे फ्लोर पे भी ये सब चल रही थी, जो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहे हैं ना वही है घर यहाँ पे, बाकी पेड़ पौधे इतने हैं कि दिख नहीं रहा है। और ये जो सामने मंदिर है, मुझको लगता है यहाँ के पुजारी जी जो हैं वो यहीं रहते हैं। आपको एक बार इस तरफ का भी नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए चारों तरफ से घूम सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप मंदिर के अंदर घूमिए, ये बाहर से घूमिए। मौसम अच्छा हो गया यार, धूप ज़्यादा नहीं है। इस तरफ देखिए आप, मस्त मैदान है, जगह बहुत सारी है। ओ दूर तक सामने होता है हवन और यहाँ पे है अपनी माँ। काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ पर 40 साल हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए। परम पूज्य गुरुदेव श्री हरिगिरि महाराज के पावन सानिध्य में इस मंदिर की स्थापना सन 1984 को हुई और इस मंदिर का बनना 1978 से प्रारंभ हुआ। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर सचंडी महायज्ञ, हवन पूजन इत्यादि चलते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मंदिर खुलने का समय प्रातः सुबह 7 बजे और शाम को 4 बजे, और यहाँ की आरती शाम को 7:30 बजे होती है। मेरा नाम साध्वी संगीता गिरी महाराज है, मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री हरिगिरि महाराज की शिष्य हूँ। यहाँ पर हमेशा अखंड ज्योति जलती रहती है माता जी की, और नवरात्रि के समय काफ़ी संख्या में यहाँ मंदिर में भीड़ रहती है, तो जब लोगों की मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं सभी भक्तों की, तो लोग घंटा चढ़ाते हैं, झंडा वंदन करते हैं, माता जी का श्रृंगार नारियल वगैरह और ये सब चढ़ाते हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें थी आपको बताने लायक, मैंने वो सभी बता दी हैं। सिर्फ 1 घंटे में ही हमने पूरा मंदिर कवर कर लिया। अभी 11:08 हो रहा है और अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ से निकला जाए।
यहाँ पे एक दो कुत्ते का भी डेरा है यहाँ पे बैठे हुए मेरे सामने, दिखाऊँ आपको। देखिए एक ये महाजन है, एक ये भाई साहब अभी अभी आए हैं, देखिए पास आ रहे हैं, एक वो बैठे हुए हैं। आज का वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। जितनी चीज़ें थी यहाँ पे घुमाने लायक मैंने सब आपको दिखा दी, सारी चीज़ें घुमा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप जबलपुर से हैं और यहाँ विज़िट कभी किए नहीं हैं तो कीजिए, क्योंकि यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में आइए या फिर शाम को आइए, शाम को 5 के बाद भी अगर आप आएंगे ना, शाम को 3 से शायद ये मंदिर ओपन हो जाता है, तो शाम को भी आप आ सकते हैं। शाम को आइए अपनी फैमिली के साथ, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने सारे जबलपुरिया फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप कभी नहीं आए हैं यहाँ पर तो आइए, कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो मेरी कहाँ से देख रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मिलो, कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलो।